जिस शख्स को आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्होंने अपना फ्लैट बेचकर शाहीन बाग में आंदोलन जो चल रहा उसके लिए लंगर लगाया है। सर, ऐसा क्यों मन में आया आपने अपना फ्लैट बेचा और शाहीन बाग में लंगर लगाया उस पैसे से? बस फ्लैट वाली बात को तो मैं अब नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बन चुकी है और ये मैं इस बारे में नहीं जानना चाहूँगा। मैंने 16 जनवरी से यहाँ पर लंगर शुरू किया था, हमारा यहाँ पर 16 जनवरी से लंगर शुरू हुआ है, और लोगों ने मुझे जो है ताने मार मार के दुखी कर दिया था कि कहाँ से पैसा आ रहा है आपके पास, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, 1 लाख आदमी रोज कहाँ से लंगर खा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। बार बार मैं मीडिया वालों के क्वेश्चन से मैं दुखी था, क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँ तो आप समझ सकते हो कि मेरे को कुछ ना कुछ तो रिलेवेंट जवाब देना पड़ेगा। इसलिए फिर मेरे मुंह से निकल गया बाई चांस जो हकीकत थी, क्योंकि अल्लाह पाक ऊपर बैठे हैं, जो वाहेगुरु ऊपर बैठे हैं, उनकी मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही मेरे मुंह से निकला, मैं सब जगह जो है चर्चा चल गई। मैं लंगर की बात ज़्यादा करूँगा प्लीज़। तो सर, क्या लगता है लंगर का सबसे बड़ा, कहा जाता है कि सबसे बड़ा दान होता है, ऐसा और लोगों ने आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, लंगर शुरू मैंने ज़रूर किया है, लेकिन अब ये चल जो रहा है ना, ये मुझे नहीं पता कहाँ से चल रहा है। कोई घी दे जा रहा है, कोई ये चावल दे जा रहा है, कोई आटा दे जा रहा है, हमें नहीं पता वो खुदा का पहलवान कहाँ से आ रहा है, या अल्लाह ताला भेज रहे हैं, गुरु नानक देव जी भेज रहे हैं, मुझे नहीं पता कौन भेज रहा है उनको। लेकिन मेरे को पता है कि ये लंगर जो है ना, अगर साल भर भी चलेगा ना मोर्चा, अगर हमारी बहनों का शाहीन बाग का अगर साल भर भी बैठेंगे, तो शायद ये साल भर 2 साल भर भी ये लंगर ख़त्म होने वाला नहीं है। ख़त्म होने वाला मीन्स कि इसकी जो अरेंजमेंट है वो ख़त्म होने वाली नहीं है। लंगर तो 537 साल से चल रहा है, लेकिन ये कि शाहीन बाग का लंगर जो है, जब तक बहनें बैठी रहेंगी लंगर चलता रहेगा। अब मेरे को महसूस हो रहा है कि ऊपर वाला मेरे साथ है, वाहेगुरु मेरे साथ है, किसी भी तरीके से हमें कोई ना तो आटे की कमी है ना दाल की कमी है। और मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि मैं कल या परसों से इसको जो है देसी घी में जो है चेंज करूँगा, जो हमारे पास घी पड़ा हुआ है उसको पहले मैं ख़त्म करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हम लोग यहाँ पर जो है देसी घी में जो है इसको शुरू करें, और देखते हैं अभी हमारी कोशिश है, बाकी तो ऊपर वाला बैठा है करने वाला। सर, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमने आपको देखा है लगातार कई जगह, क्या लगता है सर ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? 2 महीने हो गए हैं सर आप इसको। देखिए, एक नया सवेरा आएगा, एक नई सुबह होगी अब, क्योंकि आंदोलन जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये जन आक्रोश है, ये हर हर घर का बच्चा, हर घर की महिला और हर घर का पुरुष। कल हमारे यहाँ पर 110 साल की एक लेडी आई थी, वो यूएसए से स्पेशल आई थी, और वो सिर्फ हमें मिलने आई थी यूएसए से, और वो मुझे बोली कि मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कहा माता जी आप 1 रुपया मुझे दे दो, बस बहुत है। तो उन्होंने मुझे $1 दिया यूएसए का, तो शायद लाइफ में मैंने डॉलर यूएसए का पहली बार ही अपनी जेब में रखा है, तो वो डॉलर मेरी जेब में पड़ा हुआ, मैं उसको संभाल के रखूँगा, क्योंकि वो 110 साल की जो लेडी आई थी उसका आशीर्वाद था, जो लंदन जो अमेरिका से आई थी स्पेशल। तो भैया देखो, जब कोई अमेरिका से इस भाव के साथ आ रहा है कि मैं शाहीन बाग में जाऊँ और उनसे मिलूँ, तो आप सोचिए कहाँ अमरीका, कहाँ लंदन, कहाँ जर्मनी, कहाँ सऊदी। अभी सऊदी के हमारे 2 भाई खड़े हैं, हमारे सऊदी के हमारे जो हैं वो हमें ब्लेसिंग दे रहे हैं वहाँ से कि भाई आप चलाए इसको, कैसे चलाओ, ये बंद नहीं होना चाहिए। तो बस देखो, ये जब जन आक्रोश होता है ना, तो उसको उसके लिए सरकारें की चूड़ें हिल जाती हैं, सरकारें जो पीछे हट जाती हैं। जब भी राजा और प्रजा के बीच में जब भी कभी कोई असमंजस आता है, तो प्रजा की जीत होती है, राजा की कभी जीत नहीं होती है। राजा का एक समय कार्यकाल होता है 5 साल 4 साल, और प्रजा का कोई कार्यकाल नहीं होता। आज ये हमारे भाई हैं, हो सकता है कि ये आज 20 साल के हों, कल ये 25 साल के हो जाएंगे, ये प्रजा फिर जिंदा हो जाएगी। आज हो सकता है कि हमारे बड़े भाई हैं, ये आज 50 साल के, कल ये 60 साल के हो गए, प्रजा फिर भी रहेगी, सरकारें नहीं रहेंगी। सरकारें को आना पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, सरकारों का समय जो है बहुत थोड़ा होता है। इसलिए मैं आपके कैमरे के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, मैं बार बार अपील करना चाहता हूँ, मैं हाथ भी जोड़ता हूँ बार बार सरकारों को, कि इन शाहीन बाग की बहनों की दुआएं लें, बददुआएं मत लें। अगर अभी तक इनकी मन से जो है ना दुआ निकली है ना बददुआ निकली है, अगर इनके मन से किस दिन बददुआ निकल गई, तो आपकी जो है ना, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, आप लोग समझदार हैं कि क्या है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको, मेरे को, मैंने इन बहनों की शिद्दत से सेवा की है, शिद्दत से मैंने, ईमानदारी से मैंने अपना काम किया है, इन बहनों की मुझे दुआ मिली है, और आज शायद ही कोई वर्ल्ड का कोई ऐसा कोना हो जहाँ डीएस बिंद्रा को ना जानते हों। सर, आपको लगभग काफ़ी दिन यहाँ पर हो गए, क्या आप घर वाले, आपके बीवी बच्चे ये नहीं कह रहे कि बहुत हो गया, सरकार तो सुन रही है, छोड़िए क्या? हमारा खालसा पंथ की जो स्थापना हुई है ना, वो सेक्रीफाइस के लिए हुई है। हम लोगों ने जब हमारा सिख जो खालसा पंथ हुआ था, तो हमने 5 सिर जो है अपने दिए थे, 5 सिर हमने दिए थे, तो हमें जो है सिक्खी मिली थी। और आप देखिए कि कभी भी कोई अगर बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे या कहीं भी हमें भेजना होता है, सबसे पहले सिख रेजिमेंट जाती है, सबसे आगे सिख रेजिमेंट को रखा जाता है। और हमारे सिखों का इतिहास रहा है,
चाहे वो सीरिया के अंदर लंगर लगाना हो, चाहे वो भूकंप आ गया हो वहाँ लगाना हो, चाहे रेगिस्तान में लगाना हो, चाहे पंजाब की बाढ़ में लगाना हो, हमारा लंगर हर जगह लगता है। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि यही लंगर अगर किसी मंदिर के बाहर लगा होता तो मुझे जो है वाहवा मिलती, और यही लंगर अगर मैंने शाहीनबाग में लगाया हुआ है तो मेरे को लोग गोली मारने की धमकी भी देते हैं और मेरे को पथराव करने की बात भी करते हैं और मेरे को जलील भी करते हैं। हाँ सर, सोशल मीडिया पर आपको काफ़ी परेशान किया जा रहा है, बहुत देखो धमकी, तो उन्हें कैसे झेल रहे हैं? अगर 100 सोशल मीडिया में से 99 अगर पॉजिटिव दिखा रहे हैं, एक अगर नेगेटिव दिखा रहा है ना, तो सब लोग समझ जा रहे हैं कि एक जो दिखा रहा है वो सिर्फ अपनी TRP के लिए और अपनी जो है वो फॉलोइंग बढ़ाने के लिए और अपनी जो है वो फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। देखिए, बुराई करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन आपको इंसानियत का काम करने के लिए बड़ा जज्बा चाहिए, यहाँ पे जिगर चाहिए, यहाँ के अंदर जिगर चाहिए। अगर आपके अंदर जिगर है तो ये आप कर सकते हैं। अभी तो मैं आपकी बुराई कर दूँ कि बॉस आपकी ये टी शर्ट सही नहीं है, आपका ये ठीक नहीं है, आपका माइक ठीक नहीं है, आपकी लीड ठीक नहीं है, आपका कैमरा ठीक नहीं है, आपके मन पर क्या गुजरेगी? जब आपने इसको लिया होगा, कितनी इज्जत से शिद्दत से लिया होगा, मैं कहूँगा यार ये तो यार आपका कैमरा सही नहीं है यार, ये कैमरा अच्छा सा रखो यार, बढ़िया सा कैमरा रखो, आपको क्या लगेगा? आपको भाई जो कोई करता है ना उसी को पता होता है वो कैसे कर रहा है, दूसरे आदमी को क्या है? दूसरा आदमी तो कुछ भी कह के चला जाएगा कि मैं कुछ ज़्यादा नहीं। हाल में अभी 2-3 आंदोलन हमने देखे, SC ST एक्ट को लेकर, 13-point रोस्टर को लेकर देश भर में आंदोलन हुए और सरकार बैकफुट पे आई, लेकिन इस आंदोलन को लेकर सरकार बैकफुट, इसमें अगर सरकार बैकफुट पे आएगी तो उसका हिंदू वोट बैंक खत्म हो जाएगा, ये आप समझ के चलना, यहाँ आगे कुआ पीछे खाई। अगर वो बैकफुट पे आती है तो विश्वास का जो 100-125 करोड़ की जनता का जो विश्वास अभी जो लेके ये चल रहे हैं वो विश्वास जो है हट जाएगा, क्योंकि आज जो है आज लड़ाई कोई एक नाली नाले की नहीं है, कोई सड़कों की नहीं है, कोई फ्लाईओवर पुल बनाने की नहीं है, आज एक जो इनकी डिमांड है नागरिकता की है, अपने हक की है, अपने आने वाली जनरेशन की इज्जत की है। सरकारों ने 5 फैसले किए, 370 का किया, 3 तलाक का किया, बाबरी मस्जिद का किया, सिविल यूनिफॉर्म का किया, योगी जी ने बूचड़खाने UP में बंद कराए, लेकिन इन लोगों ने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि हमारा देश पीछे जाए, ये शांतिपूर्वक जो है ना सर माथे पे लिए उन्होंने। लेकिन जब एक CA भी बिल उनको CA जो एक्ट बन चुका है, जब उनको एक नहीं मंजूर है तो आप उसको वापस ले लीजिए। हम ये नहीं कहते नोटबंदी आपने की हमने सर माथे पे लिया, आप रात को उठते हैं सुबह फैसला करते हैं, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं ठीक है। अगर 25 करोड़ लोगों को अगर एक बिल से आपत्ति है तो उसे वापस लेने में क्या दिक्कत है मुझे बताइए, और उस बिल के अंदर ऐसा क्या है कि उसे वापस नहीं लिया जा रहा? कोई संशोधन भी किया जा सकता है, मैं कहता हूँ संशोधन की क्या जरूरत है बॉस, एक आपने एक स्टेप लिया, आपने एक U-turn ले लिया, आपको जाना है मुरादाबाद, आप चल गए इलाहाबाद की तरफ, तो आप क्या वापस नहीं आएंगे क्या, या इलाहाबाद ही चलते रहेंगे आप? वापस आना पड़ेगा आपको, आपको मुरादाबाद जाना है तो वापस आना पड़ेगा, वहीं पर आना पड़ेगा जहाँ से आपने शुरू किया है, आप इलाहाबाद नहीं जाएंगे आप। तो बॉस ये देश है, ये देश जो है ना ये सभी के पैसों से बना है, सभी के टैक्सों से बना है, ये जो सड़कें हैं ना ये हमारे, ये भाई है ना हमारे, ये टैक्स देते होंगे, ये भाई हमारे ये टैक्सेस देते होंगे, ये सरकार ऐसी नहीं चलती हैं, सरकारी टैक्सों के बिना नहीं चलती हैं। यहाँ एक छोटा मजदूर है, कोई पंचर लगाने वाला है, कोई टायर बनाने वाला है, कोई धागा काटने वाला है, कोई धागा बुनने वाला है, अगर वो धागा बुनेगा तो ये चादर बनाएंगे तो ये बेचने जाएंगे बाजार में, ये सर्कल चलता है पूरा का पूरा सिस्टम। आप ये सोचें कि एक कौम को निकाल के बाहर हम फेंक दें, और नेपाल में क्या है, नेपाल में हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र के बाद नेपाल में क्या है? आज भी गोरखा यहाँ आते हैं, बाबू जी साहब जी गाड़ी साफ करा लो, वो क्या है वो? ये विभिन्नताओं हमारा जो देश है, ये हमारा एक हमारा देखो गुलदस्ता है हमारा बहुत। चलिए आखिरी सवाल सर आपसे मैं कमेंट्स लेना चाहूँगा, जैसा सिख कम्युनिटी ने शाहीन बाग में बहुत मदद करी है, लगातार हमने देखा आंदोलन, क्या कहोगे इन लोगों को? भाई उनका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, और हमारे पास अल्फाज भी नहीं है उनके लिए बोलने के लिए कि वो हमारे साथ खड़े हैं बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके, और हम ये चाहते हैं कि सभी हिंदू मुस्लिम एक साथ मिल करके इस आंदोलन के साथ जुड़ें और इससे आज़ादी लेकर के रहें, क्योंकि NRC और CA जो है ये बहुत ख़तरनाक बिल है। अब इसमें एक बात बताओ, हमें प्रूफ देने की ज़रूरत क्या, जब हम यहाँ पर रहते आ रहे हैं और हर साल हर 10 साल में जनगणना होती है, ठीक है, तो वो जनगणना जैसे पहले से होती थी वैसे ही कर लो, अब ये क्या मतलब हुआ तुम्हारे दादा कहाँ पैदा हुए थे उनका जन्मदिन लाओ? अरे उस टाइम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, जन्म पत्री नहीं होती थी, अब कहाँ से देंगे? अगर नहीं होगी तो तुम हमें बाहर निकाल दोगे, डिटेंशन सेंटर में डाल दोगे, तो ये गलत है ना, ये गुंडागर्दी है, तानाशाही की सरकार चल रही है। सरकार के इस आंदोलन में कोई जवाबदेही दिखाई नहीं दी, क्या लोगों में उदासी सी आने लगी है? सरकार गूंगी बहरी हो चुकी है, बिल्कुल तानाशाही वाली सरकार है, हर धर्मी जिसे कहते हैं ना सरकार अपनी हर धर्मी पे आई हुई है। अभी देखिए उसके दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, कितना
इतना बड़ा तमाचा लगा है, इसी तरह से सब जगह से ये गिरती चली जाएगी। अब आने वाले अगले टाइम में बिहार में इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये वहाँ भी गिरेगी और ये सब जगह गिरती चली जाएगी, मुँह की खाएगी इंशाल्लाह ऐसे ही, और हम सब इसी तरह से मिलजुल करके रहेंगे। हम लोग यहाँ पर जो है देसी घी में जो है इसको शुरू करें और देखते हैं, अभी हमारी कोशिश है, बाकी तो ऊपर वाला बैठा है करने वाला। सर आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमने आपको देखा है लगातार कई जगह, क्या लगता है सर ये आंदोलन किस दिशा में जा रहा है? 2 महीने हो गए हैं सर आप इसको। देखिए एक नया सवेरा आएगा, एक नई सुबह होगी अब।